क्वेश्चन नंबर सेवन है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में हमने क्या करना है, इसमें हमने कहता फाइंड दी 30th टर्म, यानी 30वीं रकम मालूम करें, ठीक है, 3वीं रकम। ओके, तो शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को क्वेश्चन सेवन ये हमें दिया गया है ए एन बराबर 2n+1, ठीक है। सब सवालों के अंदर हमें एक जनरल टर्म बना के दी गई है, तो जनरल टर्म को यूज करते हुए हमने क्या करना है, 30th टर्म यूज करनी है। अब 30 टर्म का मतलब है n की जगह हमने क्या रखना है, 30। तो जहां जहां n है वहां वहां मैं 30 रख देता हूँ, यहाँ भी 30, 2 n की जगह 30+1, 2 30 60 होता है +1, तो ये आ जाएगा 61। ठीक है बच्चों, सिर्फ n की जगह 30 रखना है और सवाल हल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल है ए एन बराबर 3n+4, n की जगह 30 रखेंगे, यहाँ भी n की जगह 30+4, तो ये हो जाएगा 90+4, तो ये हो गया 94। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला पार्ट है ए एन बराबर 5n-2, तो n की जगह क्या रखना है, 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30-2, तो ये 0, 5, 3, 15 150 आ जाएगा, -2 करेंगे तो 148 हो गए। ऐसे लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाले पार्ट में ए एन बराबर 3/2n+1, एन की जगह हमने क्या रख दिया, 30, यहाँ भी एन की जगह हमने रख दिया 30+1, तो 3/3 ये हो जाएगा 2 30 60+1, 3/61। तो इस तरह इन सब के अंदर हमने एन की जगह 30 30 रख के 30th टर्म मालूम कर ली।